जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख लिया है, मेटावर्स। फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट इट, मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी वाली दुनिया है। आप वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स लगाकर मेटावर्स के अंदर जाकर नए नए फ्रेंड्स बना सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो, किसी भी तरह का गेम खेल सकते हो, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, ऑलमोस्ट सभी कुछ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पर जमीन खरीदनी पड़ेगी, मतलब वो एक नकली दुनिया है। नकली दुनिया में रहने के लिए असली पैसे देकर हम जमीन खरीदेंगे, हमें एक स्पेस खरीदनी होगी, एक होम स्पेस जिसमें हम रहेंगे। तो असली पैसे देकर नकली वर्चुअल रियलिटी वाली दुनिया में जमीन खरीदना, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। मेटावर्स की दुनिया के अंदर अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको असली पैसे देने पड़ेंगे। मतलब ये क्या बात हुई? मतलब अगर आपने वहाँ पर एक घर खरीदा तो घर की जमीन के पैसे अलग, घर के पैसे अलग और घर की चीजों के पैसे अलग, वो भी असली फकिंग असली पैसे। वैसे तो आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप जो भी करोगे उस कंपनी की नजर आप पर होगी। पहले तो आप इसमें सिर्फ देख सकते थे, लेकिन आप टच भी कर सकते हो हैप्टिक ग्लव्स के जरिए। हैप्टिक ग्लव्स वो ग्लव्स हैं जिन्हें अगर आप अपने हाथों में पहन लो तो आप उसकी किसी भी चीज को टच कर सकते हो, उस दुनिया की किसी भी चीज को। आप किसी से हाथ मिला सकते हो, आपको असलियत में फील होगा। जस्ट इमेजिन, आप असल दुनिया में अपने कमरे के अंदर बैठे हुए उस दुनिया के किसी इंसान से हाथ मिला रहे हो। मतलब वो शख्स अपने कमरे में और आप अपने कमरे में, वो अपने अलग शहर में अपने अलग घर में और आप अपने घर में, और दोनों एक दूसरे से हाथ मिला पा रहे हो और दोनों को एक दूसरे का हाथ फील भी होगा, महसूस भी होगा। ये सब सुनने में जितना अच्छा है, इसकी रियलिटी उतनी ही डार्क है। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है एडिक्शन। जिस तरह से आज के लोगों को सोशल मीडिया की एडिक्शन है, फेसबुक की एडिक्शन है, इंस्टाग्राम की एडिक्शन है, व्हाट्सएप की एडिक्शन है, यूट्यूब की एडिक्शन है, दूसरी अलग अलग वेबसाइट्स की एडिक्शन है, समझ रहे हो? तो इस लत के अंदर तो फोन आपके हाथ में है, आप इधर उधर देख सकते हो, लेकिन जब आपको अंधा कर दिया, एक चीज आपकी आंखों के ऊपर ही लग गई, आप इधर उधर नहीं देख सकते, तो क्या आप अपनी असली दुनिया में रहना पसंद करोगे? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों को इसकी इतनी एडिक्शन हो जाएगी, इतनी लत लग जाएगी कि लोग असली दुनिया को भूल जाएंगे। आज लोगों को भूख लगती होती है लेकिन फोन चलाते होते हैं, खाना नहीं खाते हैं, खाने को लेट कर देते हैं। आज अगर एक लड़का या लड़की पबजी खेल रहा हो या कोई और गेम खेल रहा हो तो उससे उसका मोबाइल छीन के देख लेना, जहां से आए हो वहीं पहुंचा देगा आपको। तो जब इतना छोटा सा फोन इतना एडिक्टिव है तो मेटावर्स का क्या आलम होगा? इसीलिए बी अवेयर, भीड़ का हिस्सा मत बनो, समझदार बनो, सही टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करो। आज फोन चलाते चलाते घंटों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। सोशल मीडिया पर लोग अपने पैसों का और अपने रिच लाइफस्टाइल का, अपने फेम का, अपनी गाड़ियों का इतना शो ऑफ करते हैं कि जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है वो अपने आप को कम समझने लगते हैं, वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। फिल्टर्स लगाकर फोटो खींचने की इतनी आदत पड़ गई है कि असली शक्ल को लोग अपनी पसंद ही नहीं करते हैं। और ये तो इंटरनेट की सेकंड डायमेंशन ही है, मेटावर्स तो थर्ड डायमेंशनल है, वो तो एक स्टेप आगे की दुनिया है। चाहे दुनिया की कोई भी कंपनी हो, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। हर कंपनी को बस आपके पैसे चाहिए, आपकी अटेंशन, आपका वक्त चाहिए। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा लोग मेटावर्स के अंदर महंगी महंगी चीजें खरीद कर बहुत कूल बनेंगे, और जो गरीब यूजर्स होंगे वो अपनी जिंदगी से और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मेटावर्स के अंदर शो ऑफ करने वाले कूल नहीं है, वो महाफूल है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूँ कि मेटावर्स एक बुरी जगह है, एक बुरी चीज है। अगर कोई शख्स मेटावर्स के अंदर कोई पैसे कमाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप फ्री टाइम के अंदर टाइम पास के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। बुराई तब शुरू होती है जब आप उसकी लत लग जाती है। और ये एडिक्शन, ये लत किसी शराब या सिगरेट से भी बड़ी लत है। इसका एक दूसरा नुकसान यह है कि इंसान बहुत ज्यादा आलसी हो जाएगा, और ज्यादा आलस, ज्यादा लेजीनेस बीमारियों की वजह बनती है। उस आलस की वजह से नई नई बीमारियां जन्म लेंगी। इंटरनेट के आने के बाद इंसान कितना आलसी हुआ है, मोटापा कितना बढ़ा है, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां कितनी सुनने को मिलती हैं, इंसान की फिजिकल एक्टिविटी में कितनी गिरावट आई है। इंसानी बॉडी ज्यादा आराम के लिए नहीं बनी है, ये काम के लिए बनी है, मेहनत के लिए बनी है, मुशक्कतों के लिए बनी है। मुझे सोचकर ये अजीब लगता है कि इंसान गुलाम बनने जा रहा है, एक कंपनी का गुलाम। अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, मेटावर्स का हेडसेट लगा लिया, AR या VR लगा लिया, और कर लिया सारा टाइम वेस्ट एक नकली दुनिया के अंदर। फायदा किसको हुआ? उसको हुआ नहीं, कंपनी को हुआ। आप लोग खुद ही बताओ कि एक कंपनी को इतना कंट्रोल देना क्या सही है? You are wasting your worthy time in their apps, their websites, and they making billions, fucking billions. Metaverse एक अजीब ही चीज है। उस दुनिया के अंदर आप अपने आप को राजा समझोगे, किंग समझोगे, लेकिन असलियत में आप गुलाम होगे। मतलब वो आपको गुलाम भी बना रहे हैं और राजा वाली फीलिंग भी दिला रहे हैं। वाह, मुझे पता है कि फ्यूचर में मेटावर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेटावर्स या ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से, कि आपका भी उसमें कोई फायदा हो। अगर आप अपना कीमती वक्त उसमें दे रहे हो तो बदले में आपको भी कुछ मिले, भले वो पैसा हो, भले वो नॉलेज हो। हर चीज की दो साइड होती है, अच्छी और बुरी। मैंने आपको इसकी अच्छी और बुरी दोनों साइड दिखा दी है, आप फैसला आपके हाथ में है। अपने आप को किसी भी टेक्नोलॉजी का या किसी भी चीज का गुलाम मत बनाओ।
मोबाइल फोन की एडिक्शन तो फिर भी एक हद तक ठीक है, लेकिन मेटावर्स की एडिक्शन बहुत बहुत एक्सट्रीम एडिक्शन है भाई। ओके बाय। Iroglu Fox, Iroglu Fox, Iroglu Fox, Iroglu Fox.